अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉज किचन लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो आज अदियान भी यहाँ पर आया है आप सबको सलाम करने के लिए। करो बेटा सलाम। कैसे आप सब लोग? बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ना। अच्छा मैं क्या है ना, जब भी आपसे बात करना हो या तो रिटर्न करने का हो तो फैन बंद करना पड़ता है, नहीं तो फिर ज्यादा नॉइज आता है। तो उसकी वजह से आज इनको ज्यादा गर्म हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, सिर्फ 5 मिनट मैं थोड़ा ही टाइम बात करूँ, क्योंकि अपने को जाने का है ना अभी। तो आज मंडे है और मुझे इगतपुरी जाने का है। एक्चुअल में मेरी बहन की लड़की है, जो मतलब मेरे बड़े पापा की बेटी है, तो उसकी लड़की की आज मंगनी है, मतलब कि इंगेजमेंट है। और एक्चुअल में मेरा कोई जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि मैं अभी गोवा से आई और मैं काफी थक गई थी, और मतलब सडनली फिक्स हो गया सब, मतलब प्लान क्या घर के घर में कर लेते हैं मतलब मंगनी तो। बट मुझे जाना जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से मेरा रिश्ता है, लड़का भी मेरा मामू का लड़का लगता है, और जो लड़की है वो बहन की बेटी है, तो क्या है फिर मुझे जाना जरूरी है। तो उसके पापा पहले बोले थे कि मैं नहीं आऊंगा, तो ही जा क्योंकि शॉप पे कोई नहीं है अभी। फिर बाद में दोनों बच्चों की जिद पे फिर वो भी रेडी हो गए आने के लिए, तो हम लोग ने इमरजेंसी में फिर ट्रेन का टिकट बुक करवाया। तो वो 12 बजे का है और अभी सुबह 10:30 बज रहे, तो मुझे अभी थोड़ी देर में निकलना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से थाने स्टेशन पहुंचने के लिए भी आधा घंटा लग जाएगा, और फिर मतलब आधा घंटा लग जाएगा, तो मुझे अभी निकलूंगी तभी ट्रेन मुझे मिलना पॉसिबल होगा। तो मैंने सोचा चलो उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो मैं रेडी भी नहीं हुई, क्योंकि मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ। इंशाल्लाह मैं वहां पर जाकर रेडी होंगी, और अध्ययन को भी मैं वहीं पर रेडी करूंगी, क्योंकि काफी गर्मी है, वो भी चिड़चिड़ करेगा पूरे रास्ते से, और मुझे उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो इतना हैवी ड्रेस पहनकर मैं भी ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है मुंबई में और उसमें ट्रेन का ट्रैवल है। तो फिर हम लोग ने सोचा क्या मैं और अध्ययन वहीं पर थोड़ा सा तैयार हो लेंगे, और मेरे हस्बैंड यहीं से तैयार होकर जाएंगे। फ्रेंड्स चलो मैं निकलती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगी कि अगर वहां पर मुझे परमिशन नहीं मिली तो मैं शूट नहीं करूंगी, कि शायद किसी को ये पसंद ना आए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी कि आपको थोड़ा बहुत वहां का जो रस्में है वो बता सकूं। आप देख सकते हैं कि मुंबई में कितना गर्म है, क्या कुछ टाइम में मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलो फिर मिलते हैं कुछ टाइम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखो अध्ययन वापस से आ गया है, मैं बोली थी उसको कि हॉल में जाकर बैठ, लेकिन उसको आप सबको बाय बोलना है, तो चलो बाय। मेरे डांटे जमिया खिलाने ले जाने है, तेरे मेहरा बेचो तेरे लाडो पर दे
वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप लोगों को तो पता है कि मैं आज इगतपुरी गई थी और मैं सुबह 12 बजे की ट्रेन से गई और 7:30 बजे वापस रिटर्न आ गई, क्योंकि हम लोग ने पहले सोच के गए थे कि हम लोग वहां पर नहीं रुकेंगे। तो देखो मैं काफी थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोची कि चलो आपसे दो बात कर लेती हूँ। तो एक्चुअल में क्या है ना, मैं थोड़ा बहुत शूट किया मैंने आप लोगों के लिए, मुझे पता नहीं वो इतना अच्छा है, लेकिन मैंने ट्राई किया क्योंकि काफी गर्दी भी हो गई थी और दोनों तरफ से मतलब मेरा रिश्ता था तो मुझे दोनों को हैंडल करना था, तो मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला था कि मैं शूट कर सकूं। लेकिन फिर भी मैंने छोटे छोटे क्लिप्स निकाले जो मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो पसंद आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं फिर ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग में मिलूंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।